मैं लेके आया हूँ आज एक नई खुशखबरी कराची वालों के लिए। जी हाँ, परवेज सिद्दीकी काम कर रहे हैं कराची के थिएटर के लिए आगे से बढ़कर। ट्राइंगल एक कहानी है और इसमें दिखाया गया कि एक गरीब भी अमीर से प्यार कर सकता है, अमीर का दिल भी गरीब पे आ सकता है। हम ये अजम लेके निकले हैं कि इस मुल्क को हम संवारेंगे। जहाँ सीनियर तो इतने सारे हैं और जूनियरों को भी उसी लेवल पे काम दिया गया है जिस लेवल पे सीनियर इस ड्रामे में काम कर रहे हैं। थिएटर में पहले जैसा शायद काम नहीं है, तवज्जो नहीं है आर्टिस्टों की, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। आर्टिस्ट की बुनियाद है थिएटर, एक लाइफ काम करना है तो मुश्किल, लेकिन इससे नए आर्टिस्ट निकल कर भी आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बॉल बस। और मैं लेके आया हूं आज एक नई खुशखबरी कराची वालों के लिए। वो खुशखबरी ये है कि काफ़ी टाइम से, 2 साल से कोरोना वायरस था तो सिनेमा हॉल और थिएटर बंद पड़े हुए थे, और कराची को अभी जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो है एंटरटेनमेंट, क्योंकि टेंशन से हर कोई है परेशान। और कराची में इतनी गर्द गुबार, पोल्यूशन, परेशानियाँ, टेंशनें चल रही हैं कि इंसान दूसरी तरफ जा ही नहीं पा रहा। तो आज जो मैं मौजूद हूँ वो मौजूद हूँ मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची पाकिस्तान में, जहाँ एक थिएटर हो रहा है, बड़े मददगार थिएटर है, जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं उमर शरीफ सर, मोइन अख्तर सर, लियाकत सोल्जर, यामी मवेती, सिकंदर सनम और भी बहुत लोगों को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है आपको। ये ड्रामा जिसका है उनका नाम है दी वन एंड ओनली परवेज सिद्दीकी। जी हाँ, परवेज सिद्दीकी काम कर रहे हैं कराची के थिएटर के लिए आगे से बढ़कर, क्योंकि कराची में अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ईद बकरे ड्रामे होते हैं। तो आइए पूछते हैं चल के परवेज सिद्दीकी के लिए कि ये थिएटर फैमिली थिएटर एक तो ठीक है, और दूसरा ये इस तरीके के थिएटर और होते रहेंगे या नहीं। तो चलते हैं उनके पास और मज़े की बातें भी करते हैं उनसे, पूछते हैं कि कराची के थिएटर के लिए हमने क्या कदम उठाना है। तो चलिए चलते हैं परवेज सिद्दीकी। आज जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं मेरे चाचा परवेज सिद्दीकी। अच्छा खासा चाचा छोड़ गया था, चची हो गए। तो परवेज चाचू, ड्रामा हो रहा है मोहल्ला पौने आठ, इस हवाले से थोड़ा बताएंगे। मोहल्ला पौने आठ मैंने बड़ी मेहनत से लिखा हुआ है, और मेरे जहन में एक बात आई थी कि ये जो, वैसे तो इस मौजू पर बहुत सारी ड्रामे, सीरियल बने, थिएटर बनाए, सब कुछ हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि इनका जो है ना अलग से एक जैसे मोहल्ला दिखाया जाए। और ट्राइंगल एक कहानी है और इसमें दिखाया गया कि एक गरीब भी अमीर से प्यार कर सकता है, अमीर का दिल भी गरीब पे आ सकता है और वो उनका प्यार होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसमें, इस मोहल्ले में दिखाया गया है कि इनके वोट बड़े अहम हैं, वो 900-1100 कुछ वोट है जिसकी वजह से इस इलाके का चौधरी हमेशा जीतता रहा। फिर मौरूसी जो सियासत होती है उसको कंडम करने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए हमने ये दिखाया कि हम अब खड़े हो सकते हैं मैदान में, और जो मर्दों ने नहीं किया, औरतों ने नहीं किया, हम ये अज़म लेके निकले हैं कि इस मुल्क को हम संवारेंगे, क्योंकि अब किसी मर्द औरत का काम मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क को सही करने में वो कारगर साबित होंगे। अगर हैं तो करके दिखाएं, वरना तो बातें तो हो रही हैं जो भी आता है। बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त है, आप आएँ देखें, और नहीं देख सकते हैं तो वीडियो पे देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, थिएटर के लिए राइटर, डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर जो पहले होते थे उनकी दोबारा हमें ज़रूरत है, या कुछ पढ़े लिखो कि आप कुछ नए जनरेशन से भी आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है? पढ़े लिखे और पढ़ के आने वाले में बहुत फ़र्क होता है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो दूसरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते थे उन्होंने तो फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी की तैसी कर दी, लोग भैंसों पर, गुजरों पर और दूध पे फिल्में बनने लगी थी, बदमाशी, मार धाड़। बहरहाल वो उस ज़माने के हिसाब से अच्छे था, लेकिन अब जनरेशन तब्दील हो गई है, अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब आपके बहलावे फुसलावे कोई नहीं आए, कोई कंडम कहानी नहीं देखना चाहता, वक्त नहीं लोगों के पास, कम वक्त में अच्छा सब्जेक्ट हो, पढ़े लिखे लोग आएँ, इंशाल्लाह ये फील्ड फिर से तरक्की करेगा हमारे थिएटर का। जी
माशाल्लाह से इतना ख़तरनाक खुसरा जिसके बाद स्लिप होकर सारे पीछे चले गए। तो शहबाज सनम, सन ऑफ सिकंदर सनम, क्या कहेंगे आप थिएटर के लिए? थिएटर के लिए कहेंगे कि थिएटर वापसी बहाली की तरफ आ चुका है और लॉकडाउन के बाद वापसी ड्रामों का एक सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, जहां सीनियर तो इतने सारे हैं और जूनियरों को भी उसी लेवल पे काम दिया गया है जिस लेवल पे सीनियर इस ड्रामे में काम कर रहे हैं। आप आए अपनी फैमिली के साथ, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। ये ड्रेस कहाँ से बनवाया तुमने शहबाज? ये ड्रेस मैंने मिस्र से बनवाया है। मिस्र से बनवाया? जी, मैं मिस्र गई थी, मुझे बादशाह ने गिफ्ट किया, मैं मिस्र की हसीना लगती हूं। बादशाह सही। सर मौजूद हैं कराची स्टेज और टीवी के अदाकार ज़ाकिर मस्ताना सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये माशाल्लाह से एक थिएटर हो रहा है, आर्ट कौन सा मोहल्ला पुणे आर्ट, और आप सब उसको बड़ी मेहनत कर रहे हैं उसमें, तो थोड़ा थिएटर के हवाले से बताएंगे कि कराची में थिएटर पैसा क्यों नहीं था पहले? था पैसा क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहत है और बात मेरी बड़ी हो जाएगी। बस ये है कि अब लोगों के पास ऑप्शन बहुत हैं, हाथ में मोबाइल है, दीगर और बहुत से मामलात हैं। कुछ थिएटर में पहले जैसा शायद काम नहीं है, तवज्जो नहीं है आर्टिस्टों की, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि परवेज सदीकी ने ड्रामा लिखा मोहल्ला पौने आठ, और ये आर्ट कौंसिल में जारी है। डायरेक्टर्स के जबील राय हैं, फनकार आपके सब जाने पहचाने हैं, मैं ज़ाकिर मस्ताना, इसमें शकील शाह हैं, सलीम शेख हैं, शैनी अजीम हैं, शकील शाह हैं, परवेज सदीकी खुद हैं, और एक बड़ा अच्छा ड्रामा हो रहा है। कोशिश ये की है परवेज सदीकी ने कि हो सकता है कि परवेज सदीकी की इस मेरे से कोशिश से थिएटर दोबारा होना शुरू हो जाए, और यही टीम है ड्रामे की। और ड्रामा ईद पर भी हो रहा है इसमें आर्ट कौंसिल में, ये तो मोहल्ला पौने आठ है, और उसके बाद हम ड्रामा करेंगे ईद पर। ड्रामे का नाम जो है फिर जब आप आओगे फिर आपको बताएंगे। बदवाए हमारे ये कि जो थिएटर जो आप बगौल आप कही कि नहीं हो रहा, कोशिश ये है कि थिएटर तो एक बुनियाद है, आर्टिस्ट की बुनियाद है थिएटर। एक लाइफ काम करना है तो मुश्किल, लेकिन इससे नए आर्टिस्ट निकल कर भी आते हैं। टीवी भी एक बहुत बड़ा मीडिया है, फिर फिल्म है, लेकिन थिएटर जो है, थिएटर पे काम करने वाला आर्टिस्ट जो है वो टीवी पर जाकर और अच्छा करता है, फिल्म में जाकर और अच्छा करता है। तो हमारी दुआ है कि भाई थिएटर का सिलसिला जारी और सारी रहे, और आप लोग इसी तरह आते रहे और थिएटर के बारे में बताते रहे। हमें ये भी पता कि आप भी चाहते हैं कि थिएटर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप तो परवेज कह रहे हैं कि सिर्फ 5 मिनट बैठ जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपने सिर्फ 5 मिनट बैठना है। ये जो ड्रामे में आप लोग आए हैं, ये परवेज सदीकी की 2 महीने की मेहनत है। अगर अच्छी लगे तो बहुत तालियां बजा दीजिए। अगर इस ड्रामे के डायरेक्टर जमील राय साहब भी आ जाए, उनके लिए भी भरपूर ताली बजा दीजिएगा। दोनों सिस्टर सहेल अंसारी और हनी भी आ जाए, पूरी टीम आ जाए। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हम थे आर्ट कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां मोहल्ला पौने आठ बेहतरीन ड्रामा, शानदार ड्रामा, मैंने तो इन्जॉय किया, और जो आवाम आई हुई थी सब फैमिली थे, और फैमिली ड्रामा पेश किया गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थिएटर को आप लोग भी ज़्यादा देखें, जाके सपोर्ट करें, ताकि थिएटर दोबारा आए और छा जाए कराची में। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में बॉल बस के साथ। तो देखते रहें बॉल बस। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।